आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर स्थित JECC सभागार में, जहां इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और महिला समानता दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान में महिला दिवस समानता के मौके पर मुख्यमंत्री JECC सभागार में इस समय पहुंच चुके हैं। वहां पर लगी प्रदर्शनी को देख रहे हैं, साथ ही मंत्री ममता भूपेश उनके साथ मौजूद है। साथ ही उड़ान योजना के द्वितीय चरण का आज लोकार्पण करेंगे, साथ ही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का भी शुभारंभ होगा। तो एक अहम कार्यक्रम इस समय जयपुर स्थित JECC सभागार में आयोजित किया जा रहा है। महिला समानता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम है ये, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करने वाले हैं और वो इस समय वहाँ पर पहुँच कर प्रदर्शनी का जायज़ा ले रहे हैं। साथ ही इस मौके पर राजीविका कम्युनिटी कैडर के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। महिला समूह द्वारा जो उत्पाद तैयार किए गए हैं उनका भी ऑनलाइन किस तरह से वितरण होगा, उनकी बिक्री होगी, उसका भी जायजा लेंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व घोषणा योजना का भी शुभारंभ होगा। तो अहम कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है जयपुर स्थित JECC सभागार में महिला समानता दिवस के अवसर पर, जिसमें कई योजनाओं से लेकर राजस्थान महिला निधि का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही राजीविका कम्युनिटी कैडर के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिए जाएंगे। समूह उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए MOU भी साइन किया जाएगा। इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं। साथ ही महिला समूह द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें जो उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही उनके महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद हैं, जो उन्हें तमाम जानकारियां दे रही है प्रदर्शनी के बारे में और आज जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उन सभी के बारे में। तो आज महिला समानता दिवस के अवसर पर एक अहम कार्यक्रम JECC सभागार में इस समय आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है आपको बता दें, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान महिला निधि का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में राजीविका कम्युनिटी कैडर के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। साथ ही समूह उत्पादों के ऑनलाइन विक्रय के लिए भी MOU साइन किए जाएंगे। इसी के साथ उड़ान योजना के द्वितीय चरण का आज लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ ही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ होगा। महिला समानता दिवस आज, जिसके उपलक्ष में कार्यक्रम JECC सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय शिरकत कर रहे हैं, साथ ही तमाम कार्यक्रमों की जानकारी ले रहे हैं। कार्यक्रम में कई राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, समाज सेवी संस्थाएं हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में उड़ान योजना के द्वितीय चरण का भी लोकार्पण किया जाएगा। महिला समानता दिवस पर ये अहम कार्यक्रम आज जयपुर स्थित JECC सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम में प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं। साथ ही आज जितने भी लोकार्पण और शुभारंभ कार्यक्रम होंगे उन सभी की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उनके साथ मंत्री ममता भूपेश मौजूद हैं, जो कार्यक्रम की जानकारी दे रही हैं। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही
आज आपको बता दें महिला समानता दिवस है जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जयपुर स्थित महिला समानता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुक्त होना चाहते हैं, कुआ छुआ छूत से मुक्त होना चाहते हैं, हर सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा स्थानों में न्यायिका संस्थानों में सभी सरकारी और पंचायती नगर पालिका आदि संस्थानों में भेदभाव से मुक्त होना चाहते हैं। हम समान अवसर का आयोग चाहते हैं जिससे कि किसी भी स्तर पर मेरी पहचान का कारण होने वाले भेदभाव का को लेकर मुझे मंच प्राप्त हो। बिना छत के जाने में मुक्त चाहते हैं, हम अपना घर चाहते हैं। घर के घर हो बाहर हो अपने निर्णय लेने का अधिकार चाहते हैं। बेरोजगारी महंगाई व आर्थिक शोषण से मुक्त होना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि सरकार के हर क्षेत्र में पंचायत से आप मुख्यमंत्री तक जवाबदेही तय हो और जनता के प्रति सभी कर्मचारी अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधि की जवाबदेही हो और इस और हम तत्काल जवाबदेही कानून चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन हर स्तर पर हो और उसके लिए पूर्ण रूप से बजट में राशि उपलब्ध की जाए। हर गांव पंचायत और तहसील स्तर पर महिला न्याय व समानता केंद्र बने जिसमें उस स्तर पर सभी सरकारी कार्यकर्ता और निर्वाचित प्रतिनिधि उसको चलाएं। हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम बनने से अधिक अवसर चाहते हैं जिसके लिए सभी आर्थिक प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों पर हमारा अधिकार सरकार सुनिश्चित करे। हम हर स्तर पर विकास के नीति निर्धारण में निर्णायक भूमिका और उनकी क्रियान्वयन में सहभागिता चाहते हैं और उसके लिए सरकारी यंत्रणा व्यवस्थात्मक परिवर्तन लाए। महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को खुशहाली के साथ जोड़े जाए और योजनाओं के पात्रता को आसान व सभी के लिए सुगम बनाया जाए। मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ, ये हमारी बातें हैं, जो इसे सहमत है वो तालियां बजा के मुख्यमंत्री को कहें कि ये हमारी बातें हैं। अब मैं एक दो चीज बहुत ही संक्षेप में कहना चाहती हूँ। राजस्थान के इतिहास में महिलाओं के काम में सरकार और जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सरकार के तंत्रों के साथ मिलकर सभी समाज में रहने वाले तबकों के साथ मिलकर कई योजनाएं चली हैं। आप थोड़ा सा अपने इतिहास को देखें तो महिला विकास कार्यक्रम जो हम लोगों ने मिलकर बनाया वो पूरे देश में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना गया था कि सब लोग उसको देखा देखी अपने देश में अपने राज्यों में कार्यक्रम बनाए थे। हमारा चाह यही है कि कोई भी हो, सरकार में हो, संस्थाओं में हो, जन संगठन में हो, महिला संगठन में हो, हम मानव अधिकार के लिए लड़े, हम आर्थिक अधिकार के लिए लड़े, हम सामाजिक अधिकार के लिए लड़े, हम सब लोगों को मिलकर महिलाओं के राजनीतिक असर हो नीति बनाने में अपने बात रखने के लिए, इसके लिए सरकार हमारे लिए मंच तैयार करे, ये हमारा बहुत बड़ा एक विनती है। हम ये भी चाहते हैं कि समान अवसर हर जगह हमें मिले, उसके प्रावधान के लिए आप लोग हमारे लिए मदद करें और इसको आगे बढ़ाएं। आपने ये समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हम यही कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ दीजिए तो महिलाओं के कार्यक्रमों में बहुत सशक्तिकरण आएगा। आज महिला सशक्तिकरण दिवस में मैं सबके लिए ये कहना चाहती हूँ कि महत्वपूर्ण दिन है। हम देखिए 10,000 महिलाएं यहाँ बैठे हैं, हमारी लुगड़ियां, हमारे रंग बिरंगे, हमारे कपड़े, हमारी सुंदरता राजस्थान है क्या? तो हमें साथ लेके चलिएगा तो राजस्थान की शोभा और बढ़ेगी। सबको जिंदाबाद, नमस्कार। धन्यवाद श्रीमती अरुणा राय जी। और लगातार बात हो रही है राजीविका की, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो 2011 से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयासरत है। तो आइए राजीविका
के द्वारा जो भी गतिविधियां चलाई जा रही है उन्हीं पर देखते हैं एक लघु फिल्म। कोटा के गगराना की रुक्मिणी देवी 6 साल पहले राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। इन्होंने करीब 60,000 रुपए का लोन लेकर सब्जियां उगाने का काम शुरू किया। आज ये सब्जियां उगाने के साथ साथ पशुपालन का काम भी कर रही हैं। 5-7 हजार रुपए रोजाना की आवन हो जाओ और वैसे राख मिली जो चारो पानी भी काम आ जाओ जानवर को तो जानवर को दूध भी आ जाओ तो दूध की भी आवन और बारह भी काम मारो गुजर चल जाओ। इनकी तरह ही प्रदेश के करीब 32 लाख परिवारों की महिलाएं राजीविका समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पे